एक्शन, रोलिंग, कट। ये सीन कंप्लीट है सर। नेक्स्ट सीन रेडी है क्या? जल्दी रेडी करो। ठीक है सर, मैं अभी रेडी करता हूँ, तब तक आप लंच कर लीजिए। सुनो भाई। सर, मेरा लंच नहीं आया अभी तक। सर, डेली सेट का खाना खाकर हम बोर हो गए हैं, इसलिए आज दोनों ने मिलकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया सर। बस अभी आता ही होगा सर, बस दो मिनट में आ रहा है। आता हूँ सर। जाओ। सॉरी सर, 10 मिनट लेट हो गया। अरे 15 मिनट लेट आए हो तुम। तुम्हारा ऑर्डर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जाओ। सर आप भी जानते हो इस समय कितना ट्रैफिक रहता है सर, इसलिए लेट हो गया। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना वाना, जाओ यहाँ से, जाओ। सर सर प्लीज सर, टाइम की वैल्यू नहीं है तुमको क्या? सर नहीं चाहिए पार्सल तुम्हारा, जाओ। सर एक बार समझाया, समझ में नहीं आता है क्या? चल जाए इधर से। अरे अपनी भूख मिटा करके आपकी भूख के बारे में सोचता रहा। कस्टमर सोचा भगवान होता है। धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, ट्रैफिक हो, कोरोना में लॉकडाउन में भी काम किया, इस सब को दिल में रखे बगैर अपनी बहन, अपनी माँ, इन सब का फैमिली का ध्यान रखते हुए ये सब काम करता रहा। हम डिलीवरी बॉयज के साथ आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। ए, क्या रे? साधु संत के जैसा मेरे को ज्ञान दे रहा है? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी डिलीवरी बॉय तो बनते हो तुम लोग। भाषण तो ऐसे दे रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो तू। कितना पढ़ाई किया है? कितना पढ़ाई किया रे तू? इंजीनियरिंग की है सर। झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? खाने को इस तरह गिरा कर उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, समझे तुम लोग? 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया? अच्छा, मैंने तुम्हें बोला कि हाथ उठाने को, फिर क्यों हाथ उठा रहे हो उस पर? वो भी तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। आओ तुम इधर बैठो। बैठो, एक बात बताओ, इंजीनियरिंग किए हो तुम, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? सर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा छोड़ो ये सब, ऑर्डर लाने में इतनी देर क्यों करती? वो क्या है ना सर, बहुत चोट आई क्या? हाँ सर, इसलिए लेट हो गए सर। कोई बात नहीं। ओके सर, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। ओए! इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो और साथ में डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहे हो? सर जैसा कि आप देख रहे हो, सुबह 9 से 6 तक ये काम करता हूँ और उसके बाद 3 के बाद छुट्टी लेने के लिए भी पहले से ही परमिशन ले लेता हूँ। 20,000 की नौकरी करता हूँ लेकिन आज तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला है। लेकिन फिर भी सर मैं अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ। इंग्लिश बोलने का शौक नहीं अपन को, ये वीकेंड का पार्टी वार्टी करने का शौक नहीं अपने को। सर इंजीनियरिंग मैंने अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए किया है, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ मेरे आत्मसम्मान के लिए काफी है। चलता हूँ सर। अपने मुँह से अपनी तारीफ कर रहा है। सुनो तुम इधर आओ, इधर बैठो। कोई बात नहीं सर, मैं लेट हो रहा हूँ। बैठ जाओ। तुम्हारा कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आखिर तुम्हारी जिंदगी में हुआ क्या है ऐसा? आप ये सब क्यों सुनना चाहते हो सर? अरे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। सर मेरा गांव सुम मोगरी के करीब भद्रवती है सर, वहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। नाच गाना मौज मस्ती करने वाला, धूम मचाने वाला था हमारा कॉलेज। हेलो भाई, कल पबजी टूर्नामेंट का फाइनल है, सब लोग जल्दी आ जाओ यार। अरे कमबख्तो, एग्जाम की कोई चिंता नहीं है तुम लोग को। हमारे जमाने में मैदान में हम खेलते थे, आजकल लोग मोबाइल में खेलते हैं बस। अरे सुनिए जनाब, आपके जमाने में तो मोबाइल ही नहीं हुआ करता था, और आज का देख लीजिए, अगर मोबाइल नहीं हो तो कोई काम ही नहीं होगा। Finale.
I think everyone is aware about the rules and regulations to be followed. But still it is my duty to tell you the rules again. Boss, apple juice to khatam ho gaya. Aapko orange juice chahiye kya? Are तुम पबजी खेलने आए हो या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग लड़ने आए हो? जब देखो तब जूस पीने की बात करता है। बॉस, आप मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हो। आप ऐसे करोगे तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अरे यार तुम्हारे भरोसे पे ही तो पबजी में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं भी ऐसा ही हूँ बॉस। ट्रिप पे जाने के लिए ना मैंने अपनी तीनों गर्लफ्रेंडों को सामान पैक करने के लिए बोल दिया है। यहाँ से फ्री होते ही निकल लूंगा बॉस। भाई 30 लोगों को पार्टिसिपेट किया गया है गेम में, लेकिन जो लोग आए हैं वो सिर्फ 29 लोग हैं। कौन नहीं आया है? हरीश नहीं आया भाई। अगर हरीश खेलता तो वो जीत जाता, और वो नहीं खेल रहा है तो एए, गेट बंद करो, आज वो कैसे अंदर आता है मैं भी देखता हूँ। स्टार्ट होने में बस 2 मिनट है। कोई नहीं आया बॉस। अरे जाओ जाओ जाकर खेलो, जाओ जाओ। बहुत शाना आदमी है यार, मुझे अकेले ही भेज दिया। लास्ट कॉल फॉर द लास्ट कंटेस्टेंट, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज नहीं आएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम। तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो नहीं आएगा वो, हम उसको आने नहीं देंगे। स्मॉल अपडेट, लास्ट कंटेस्टेंट इज भरत। ये हरीश की जगह भरत कैसे आ गया? नहीं भाई, ये तो हमारा बच्चा है। भरत वेयर आर यू, प्लीज कम फास्ट। हरीश की जगह बुला रही है, कहाँ गया? अरे हमारा बच्चा कहाँ है? बॉस मैं आ गया बॉस, बड़ी अर्जेंटली आया हूँ बॉस। अबे वहाँ 1-2-3 काउंटडाउन चल रहा है और तुझे पेशाब आ रहा है। जाओ जाओ, अरे जल्दी जाओ खेलो। हाँ जा 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 सब कुछ कैसे संभालूं? अरे वाह सुपर यार, क्या बात है, तुम तो बहुत जल्दी जीत के आ गए बॉस। हां विश मी बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉस। मतलब मैं पहले ही हार गया बॉस। क्यों बे? अबे जल्दी आओगे बोल कर गया था, फर्स्ट आउट होकर आ गया बॉस। मैं क्या करूं बॉस, उसने मुझे पहले ही आउट कर दिया यार। ऐसा थोड़ी होता है। मैं हार भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हरीश नहीं जीतना चाहिए। अरे चलो लक्ष्मी ने धन नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी, लेकिन बजरंगबली ने बॉडी अपने को एक नंबर A1 दी है। ए, मेरे दोस्त को मारने से पहले सोचना चाहिए था, और मेरे सामने होते हुए तो डबल सोचना चाहिए था। छोड़ना मत इसे। Thank you.
साइंटिस्ट बनने के लिए इधर पर नहीं आया, समझा गया? मैकेनिकल, रॉयल मैकेनिकल। तरक्की करने वाले को तरक्की करने दो, हो सके तो तुम भी साथ चलो। मुझे छेड़कर होशियारी करने की कोशिश की तो बर्बाद कर दूंगा। ये घर मेरे अपने घर जैसा है, मुझे पनाह देने वाला घर। मेरे फ्रेंड हरीश, उसके फादर का घर है ये। एमएलए साहब सिर्फ एक ही बात जानते हैं, लोगों की मदद करना। इनकी सहायता लेने वालों में एक नाम मेरा भी है। इनकी मदद के साथ साथ इनके बेटे का मुझे प्यार भी मिला। यही मेरी एक छोटी सी दुनिया है, और ये है मेरी माँ सरोजा देवी। ये मेरी माँ से भी बढ़कर है। हरीश की माँ नहीं है और मेरे पिता नहीं है। इन दोनों के होते हुए हमें हमारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई। ए हाय, हेलो,
हाय। मैं क्या? तुम्हें ही। हाय। हाय। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर मुझे कांग्रेचुलेशन क्यों कर रही हो? कल जो तुमने पबजी टूर्नामेंट जीता है। ओह सॉरी, थैंक यू। चलो चलते चलते बात करते हैं। श्योर। तुम्हारा नाम हरीश है ना? हाँ है तो। आई एम खुशी। नाइस नेम। जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुम खुद भी हो। वैसे तुम्हारी कौन सी ब्रांच है? सीएस। और तुम्हारा? मैकेनिकल। तो तुम्हारे लिए किसी और ने फाइट किया था ना? कौन था वो? अरे वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम धनुष है। लो वो आ गया। इसके साथ इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई? ए हरीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए तुम क्लास बंक करके कहाँ गए? अरे उसको छोड़ यार, लंबी कहानी है। प्रैक्टिस का क्या हुआ? पहले तू बता के कहाँ था। बाय द वे शी इज खुशी। खुशी ही इज धनुष। हाय। Students, today we will study about BHP. That means brake horsepower. Good morning, madam. Yes. Sorry, थोड़ा late हो गया. कुछ personal काम था मुझे. आपकी इजाजत हो तो अंदर आ सकता हूँ? 5 साल से तुम अंदर कदम ही रख रहे हो. अब बाहर कब जाओगे क्या? 100% madam. इस बार मैं जरूर पास हो जाऊँगा, वो भी अच्छे marks के साथ. अभी 4-5 साल और लगेंगे. तुम पास हो जाओगे ये सोचकर ही मैंने तुम्हें क्लासरूम में सीट दे रखी है। देखो 100% मार्क्स तो तुम्हारे आने से रहे, एटलीस्ट 35% मार्क्स तो लेकर आओ और यहाँ से जाओ। तुम यहाँ से जाओगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो। थैंक यू मैडम। अब अंदर आके बैठ जाओ। ओके। हाय। क्या बात है, पेपर पढ़ रहे हो क्या? सीनियर आपको मैटर पता है क्या? क्या हुआ? सनी को बच्चा हुआ है, ये खबर पेपर में छपी है। ए भगवान, ये क्या पागलपन है। किसी को बच्चा पैदा होता है तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये सब चीजों को पेपर में छापने की क्या जरूरत है तू? मुझे नहीं पता। अब क्या हुआ? अरे देखिए मैडम, यहाँ पे क्या हो रहा है। सनी लियोन ने बच्चा पैदा किया है, अब वो अपने बच्चे को झूले में लोरी सुना रही है, तो कौन सी बड़ी बात है? पेपर में छाप दिया। ए भगवान, ये क्या हो रहा है। अरे प्रताप, तुम्हें अकल वकल है भी कि नहीं? एक तो तुम लेट आए हो, ऊपर से जोर जोर से बातें कर रहे हो, चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? सॉरी मैडम, मैं तो बस टॉपिक क्लियर कर रहा था मैडम। चुपचाप बैठो। ओके मैडम। आप बोलती हैं तो चुप हो जाता हूँ। ओके फाइन। टुडे लेट्स स्टडी अबाउट बीएचपी। ईच एंड एवरी इंजन विल हैव अ ब्रेक हॉर्स पावर। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन का स्पीड बीएचपी पर डिपेंड होता है। गॉट इट गाइस? सीनियर, आपकी गाड़ी की बीएचपी कितनी है? देखो गाड़ी की बीएचपी के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मेरी गाड़ी का हॉर्स पावर बहुत जबरदस्त है। ओहो, अच्छा है सीनियर, वेरी गुड। क्या रे पागल, उसको मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन तू कहे तो अगला आईपीएल आने से पहले मैं सब कुछ डिटेल में तुझे पता करके बता दूंगा। इस बार कप तो तुम्हारा ही है। हाँ, वो सब तो मेरे ही हाथ में है। सुनो प्रताप, तुम खुद तो ध्यान नहीं देते, कम से कम दूसरों को तो ध्यान से पढ़ने दो। ओके मैडम। चुपचाप रहो तुम। राइट मैडम। अच्छा आदित्य। यस मैडम। तुम भी चुपचाप नहीं बैठ सकते क्या? मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था तो वही डाउट मैं सीनियर से पूछ रहा था मैडम, पूछ रहा था, क्लियर कर रहा था। हां हां मैडम। शट अप। तुम दोनों बाज नहीं आओगे। अच्छा मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो कंप्लीट कर दिया? हां असाइनमेंट। यस मैडम। यस मैडम। दिखाओ फिर। मैडम वो एक्चुअली मेरे वो मेल में पड़ा हुआ है मैडम, वो मैं आपको कल कर दूंगा। ऐसा है क्या? एक्चुअली मैडम हमारा जो घर है ना वो ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे है, तो मैं मेरा लैपटॉप है ना टॉप फ्लोर पे लेके आके उसके बाद आपको मेल कर दूंगा। अरे मैं पूछ कुछ और रही हूँ, जवाब कुछ और दे रहे हो, बेवकूफ। पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर सकते? उधर देखो, वो भी तो सीनियर है, पढ़ाई को लेकर कितना सिंसियर है। क्या बोला, ये लड़का सिंसियर है? ये तिलक लगा के आया है सर पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंसियर है। ये लड़का पूरा का पूरा गजनी का कजिन है, ये तो 10 मिनट में सब भूल जाता है। देखिए मैडम शर्मा रहा है, शर्मा रहा है, सच बोल रहा हूँ इसीलिए शर्मा रहा है। तुम दोनों अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? सॉरी मैडम। सीनियर मुझे एक डाउट हो रहा है। सीनियर क्यों, क्या हुआ? सीनियर आप 5-6 साल से एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, आपको तकलीफ नहीं हो रही क्या?
इसमें तकलीफ क्या, आराम से रह रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है, छोड़ो मत सीनियर। सीनियर अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है तो 50% मार्क्स ना सही, कम से कम 35% आना चाहिए। अरे बाप रे, ये सब छोड़ो ना, मुझे बहुत दिन से एक बात पे बहुत डाउट हो रहा है। किस बात का डाउट सीनियर? क्या तुम क्लियर कर दोगे? ऐसा क्या बात है सीनियर, तुम बोलो तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा डाउट। मैं बड़े से बड़े डाउट को ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ। कौन है हम लोगों में जिसके बाल बहुत अच्छे हैं? मुझे तो तुम्हारे ऐसे कर्ली हेयर बहुत पसंद है मेरे सीनियर। मुझे तो स्मूथ हेयर बहुत पसंद है मेरे सीनियर। स्मूथ के साथ साथ कड़क होगा तो भी चलेगा सीनियर। क्या कड़क बाल से काम चला लूंगा, लेकिन स्मूथ बाल ज्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसे बाल मिल जाए तो काफी है। अच्छा 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 ठीक है, मैं सर पे उगने वाले बालों की बात नहीं कर रहा हूँ।